जी, आज जो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, तो मुद्दा के जो एमएसपी को लेकर क्या मामला है? मुद्दा किसान का है और खेती का है और उड़ीसा के जो किसान भाई हैं उनका मसला है और उसको लेके खास करके जो आक्रोश है और हमारे पार्टी का जो बात उठाने का है, जिसको लेके हम लोग उड़ीसा के जो किसान भाई हैं उनको लेके दिल्ली में 8 तारीख को तालकटोरा स्टेडियम में एक धरना हम लोग देंगे और केंद्र सरकार के ऊपर हम लोग एक अपने तरफ से डिमांड रखेंगे कि आपने जो 2014 में आपने खुद के मैनिफेस्टो में, खुद के इश्तेहार में, चुनावी इश्तेहार में जो आपने वादा किया था कि स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट को लागू करेंगे, आपने लागू अभी तक किया नहीं। आपने कुछ एमएसपी बढ़ाया जरूर है, पर स्वामीनाथन कमेटी का जो था कि C2 कार्यक्रम को आप ऐड करेंगे और उसका जो भी खर्चा आएगा उसके ऊपर 1.5 गुना होना चाहिए एमएसपी, ये जो आपका वायदा था वो आपने पूरा नहीं किया। और आज की तारीख में किसान बदहाली में है, तो अगर इसको आप लागू करेंगे तो अच्छा होगा और किसान के लिए भला होगा। इसको लेकर प्रधानमंत्री से कभी आपने मुलाकात की? इसको लेकर विधानसभा, उड़ीसा विधानसभा में बात हुआ, एक रेजोल्यूशन किया गया जिसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजू जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी और इंडिपेंडेंट जो भी है, सारा हाउस का यूनानिमस सर्वसम्मति क्रमे रेजोल्यूशन हुआ कि कमेटी जाएगी, प्रधानमंत्री से मिलेगी। आज तक 2.5 साल हो गया, हमको टाइम नहीं मिला। इस जो धरना होगा उसमें मुख्यमंत्री भी रहेंगे आपके? बिल्कुल आएंगे। तो आगे क्या प्लान है इसका? धरना के सिर्फ धरना देंगे कि और भी कुछ प्लानिंग आगे? राष्ट्रपति जी से के पास जाएंगे, अपना जो मेमोरेंडम है राष्ट्रपति जी को देंगे, सरकार को फिर से बतलाने की कोशिश करेंगे कि आपका वायदा आपने किया था जो पब्लिक के सामने उसको पूरा करें। चुनाव में आप अकेले लड़ेंगे या गठबंधन में जाएंगे, महागठबंधन या बीजेपी के साथ? अभी तक तो अकेले। आगे का जो 19 का आगे भी अकेले चलने का ही उम्मीद है। ठीक है, थैंक यू।